कोरोना के खिलाफ भारत में जंग लड़ी जा रही है और भारत में कोरोना के 102 पॉजिटिव केस अब सामने आ चुके हैं। हालांकि सरकार पहले दिन से ही पूरी तरह से सतर्क है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, पटना, श्रीनगर और जम्मू में कोरोना वायरस पर सीधा अटैक किया जा रहा है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। लोगों से सतर्कता बरतने के लिए अपील की जा रही है। सरकार हर स्तर पर, हर लेवल पर कोरोना को हराने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस 85 से बढ़कर 102 तक पहुंच गए हैं और महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 31 मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 10 लोग पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। दुनिया के लिए खौफ बन चुके कोरोना वायरस के खिलाफ ग्लोबल जंग जारी है। हर देश, हर राज्य, हर इंसान कोरोना से जंग लड़ रहा है। हिंदुस्तान की जमीन पर भी कोरोना लगातार हमला कर रहा है। अब तक 2 लोगों की सांसों को कोरोना थाम चुका है। फिलहाल कोरोना का एक मरीज औसतन 3 सेहतमंद लोगों को इन्फेक्टेड कर रहा है और ये चेन कहीं से भी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर कोरोना का जल्द से जल्द इलाज नहीं ढूंढा गया या फिर इसकी रफ्तार नहीं रुकती है तो ये विश्व भर की 60% आबादी को अपनी चपेट में ले सकता है और इसमें बड़ी आबादी भारत की हो सकती है। हिंदुस्तान में हर दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, साथ ही बढ़ रही है कोरोना को लेकर दहशत। पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस 85 से बढ़कर 100 के पार जा चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना के 10 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 31 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। देश के 13 राज्यों पर अभी तक कोरोना का अटैक हो चुका है। दिल्ली में 7, हरियाणा में 14, राजस्थान में 4, उत्तर प्रदेश में 12, लद्दाख में 3, तमिलनाडु में 1, जम्मू कश्मीर में 2, पंजाब में 1, कर्नाटक में 6, महाराष्ट्र में 31, केरल में 19, तेलंगाना में 1 और आंध्र प्रदेश में 1 कंफर्म केस है। हालांकि अच्छी बात यह है कि 10 कोरोना पीड़ित ठीक होकर घर लौट चुके हैं। सरकारें हर जरूरी कदम उठा रही हैं। सभी अनिवार्य सुविधाओं जैसे सामुदायिक सर्विलेंस, क्वारंटाइन, आइसोलेशन वार्ड, पर्याप्त पीपीई, प्रशिक्षित मैन पावर, रैपिड रेस्पॉन्स टीमों को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मजबूत किया जा रहा है। पूरे देश में कोरोना को लेकर खौफ है। 12 से ज्यादा राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद हैं। गोवा में स्कूल कॉलेज के साथ पब को भी बंद कर दिया गया है। भारत की नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार से लगती सीमा को सील कर दिया गया है। तिहाड़ जेल में 1,500 से ज्यादा कैदियों की स्क्रीनिंग हुई है। बंगाल में 31 मार्च तक स्कूल मदरसे बंद करने का फैसला हुआ है। आरएसएस ने बेंगलुरु में होने वाली वार्षिक प्रतिनिधि सभा को स्थगित कर दिया है। महाराष्ट्र में सिनेमा घरों, जिम, मॉल्स और स्विमिंग पूल्स 31 मार्च तक बंद कर दिए हैं। राष्ट्रपति भवन में होने वाले पद्म अवार्ड सेरेमनी को भी रद्द कर दिया गया है। लखनऊ में कोरोना के इलाज के नाम पर ताबीज बेचने वाले की गिरफ्तारी हुई है। आगरा में 25 साल की एक महिला कोरोना संक्रमित पति के संपर्क में आने से पीड़ित हो गई है। हाल ही में ये दंपत्ति इटली से वापस लौटा था। वहीं नोएडा में नकली सैनिटाइजर बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। यहां से बड़ी संख्या में नकली सैनिटाइजर बरामद हुआ। यूपी में बढ़ रहे मामलों को लेकर योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से सतर्क हैं। प्रदेश सरकार इसके प्रति पूरी तरह सतर्क भी है और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मेरी अपील होगी कि इसके नाम पर अनावश्यक होबा न खड़ा किया जाए। जरूरत दहशत में न आकर सावधानी बरतने की है। साफ सफाई का ख्याल रखें और किसी तरह का पैनिक ना करें।
अगर हम देखें आस्ता आस्ता केसेस भारत में बढ़ रहे हैं, लेकिन पैनिक की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी केसेस बढ़ रहे हैं वो उन्हीं लोगों में है जो बाहर से आए हैं या उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स जो हैं उन्हीं में है। कम्युनिटी स्प्रेड हमारे देश में अभी नहीं है, और जिस तरह से और दुनिया के और देशों में स्पेशली यूरोप में केसेस बढ़े हैं, जहाँ कई देशों में 500 या 1000 से ज्यादा केसेस एकदम हो गए, ऐसी स्थिति अभी भारत में नहीं है। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी है, लोगों की चिंता बढ़ रही है, ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सावधान रहें, साफ सफाई रखें और इसे फैलने से रोकें। दीक्षा पांडे, भास्कर मिश्रा और जतिन शर्मा के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली।